ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए तीन ऑब्जेक्ट्स। टैरो हैं, ये हैं एंजेलिक ओरैकल और ये हैं ट्विन फ्लेम ओरैकल। ठीक है, तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखिए, तो कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो, हम बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी राशि किस कार्ड को एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ठीक है, सो कीप एन ओपन माइंड। देखते हैं फिर हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, आज हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला ही कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ठीक है, दूसरा कार्ड आ गया है डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चल, एक और कार्ड मिला है जो कि किंग ऑफ पेंटेकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे साइन आ गया है यू नो वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। एक और कार्ड चुनते हैं हम, जो कि है थ्री ऑफ सोर्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फिर आ गया है द फूल, मेजर अरकाना का शुरुआती का कार्ड। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं जो कि सिक्स ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, उनकी विक्ट्री। ठीक है, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो सात कार्ड आ चुके हैं, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है कि कैसे भी करके मुझे थोड़ा सा तो होना यू नो कि कम्युनिकेशन करना है या फिर बातें करनी है। ठीक है, जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो सकता है कि आपको मैसेज भेजने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, और जहाँ पर भी एप्लीकेबल है, मुमकिन है पर्सनली आके मिलने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि किसी के लिए अगर ईमेल या फिर टेक्स्ट अभी भी चलता है तो आप वो ऑप्शन भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स है तो कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, एंड ये एक बिगिनिंग प्रोसेस है, यानी कि मन में विचार आना। अब उसके बाद कौन व्यक्ति उस प्रोसेस, उस विचार को धारण करती है और प्रोसेस करती है, ये देखने वाली बात होती है। सेकेंड है डेथ, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन सोच रहा है कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो या तो इनके मुताबिक हो रही है या तो आपके मुताबिक हो रही हैं, एंड जिन्हें हम बदलाव के रूप से कंसिडर कर सकते हैं। हम सबको मालूम होता है कि भाई कुछ चीज़ों के कारण हमारी ज़िंदगी में बदलाव होने ही जा रहा है। जैसे कि मान लो आपको अगर प्रमोशन मिल गया, जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, शायद वर्किंग आवर थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं, यू नो, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो अगर ज़िंदगी में आती हैं तो बदलाव भी साथ में आती है। तो इनका मानना ये है कि मुझे बात करनी है किसी बदलाव के बारे में जो या तो हो रहा है या तो हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप दोनों उस वक्त साथ थे जब ये बदलाव हो रहा था, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं तो शायद ये चीज़ें समझाने में थोड़ी सी दिक्कत इनको और आपको हो सकती है, बट ये आप कंसिडर कर सकते हो और इससे जल्द ही बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसे हम अर्थ साइन का कहते हैं, एंड सबसे टॉप मोस्ट कार्ड, ठीक है, ग्राउंडिंग एनर्जी। भाई यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि आप मुझे कंसिडर करो, बिकॉज ये तीनों जो साइंस होते हैं पेंटिकल्स के लिए, अर्थ साइन के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ग्राउंडिंग एनर्जी वाले कार्ड्स होते हैं। एंड अगर एक बार ठान लिया तो करके ही दम लेते हैं ना, ऐसे कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, ऐसी राशियाँ होती। तो कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे अपनी बात रखनी है आपके सामने, फिर आप इस बात को अच्छा समझे या फिर बुरा समझे। आप ये भी कंसिडर कर सकते कि मे बी अगर किसी कारण से इस पर्सन का कोई ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा था, ठीक है, मे बी किसी काम की वजह से फैमिली के कुछ इश्यूज थे और आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया था, तो शायद कोई ऐसी बात थी जिसके कारण आप दोनों के बीच अंतर तो पड़ा था, बट उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा बदलाव भी आया था। ठीक है, हालांकि ये बदलाव आपको पता था या नहीं, ये भी बात यहाँ पर आती। तो कई बार क्या होता है ना कि अचानक से हमें किसी का फ़ोन आता है और वो पर्सन हमें एक्सप्लेन करने लगता है कि भाई आखिर क्या वजह थी कि अचानक से उसने एग्जिट किया, फिर ये बदलावों से ये पर्सन गुजर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इमोशंस आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यही एनर्जी सबसे स्ट्रांग है, जहाँ पे भाई
ये कहना चाह रहा है कि भी आप अकेले नहीं हो जो इस दर्द से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है। सो ये जो दर्द है या फिर ये जो आक्रामकता है, नींद ना आना है या फिर यू नो कि कहीं ना कहीं दिल में जो सुराग बन गया, उसके पीछे की वजह जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर किसी को यकीन है कि आपका प्यार सच्चा है और आज भी आपके लिए वेट कर रहा है, तो आप इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फूल। तो भाई यहाँ पे एक्चुअली ये पर्सन जो है वो अब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उसके बस यही कहना आज के शाम के लिए कि भाई मुझे बस आपको ये बात बतानी है, बाकी आप क्या सोचते हो, आप फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो नहीं करते, दोबारा मिलते हो नहीं मिलते, या फिर आप चुप बैठते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बिकॉज ये आपको बदल नहीं सकते। बदलना ना बदलना ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वांड्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मे बी आप इस पर्सन को समझ के लोगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन की आपके दिल में थोड़ी सी जगह है, तो डेफिनेटली आप दोबारा इस पर्सन को कॉल बैक करोगे और आप दोनों के बीच की जो भी मन मुटाव वाली चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई सब कुछ सामान्य हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड, आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है, ये चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि किसके साथ कौन सा कार्ड रेजोनेट होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलता है। पहला ही है भाई यहाँ पे रेड गोल्ड स्टोन, एंड ये है सरप्राइज बे, आई एम फुल ऑफ फिगर, आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल, आई कॉन्फिडेंटली रिवील माई ट्रू कलर्स। तो कहीं ना कहीं भाई आप ये पर्सन जो है वो एक्चुअली अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि भाई एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है, उस चेंजेस के बाद जो उसके ज़िंदगी में हुए हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहा है। या आप हैं रेड गोल्ड स्टोन, आर यू इन टच विथ योर मैग्निफिकेंस। तो जो इस पर्सन में बदलाव हुए हैं, क्या आप उन बदलावों से वाकिफ हैं या नहीं, ये बात भी यहाँ पे आती है। फाइनली देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है, करते हैं शफलिंग। पहला ही कार्ड आ गया मेडिटेशन। तो ये पर्सन शायद से मेडिटेशन रेगुलरली करता है, उसे ध्यान होता है एंड चीज़ें अपने आप उसको समझ में आती हैं। तो ये एक अच्छी बात है अगर हम इस पर्सन के लिए कहें, जो हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन करना शुरू रखिए, ध्यान करना जारी रखिए, वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है लव लेटर। जैसे हमने कहा कि यू नो पहला कार्ड में मैंने कहा कि कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे आप चाहे टेक्स्ट समझे, आप चाहे व्हाट्सएप समझे, आप चाहे उसे कॉल समझे, ये पर्सन जो है अपनी दिल की बातें आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। एक और कार्ड देखते हैं जो कि है ओवर रिएक्ट। तो हाँ, ये चीज़ शायद आपकी तरफ से हो सकती है, थोड़ी सी ओवर रिएक्शन आपकी तरफ से आ सकती है, इसके लिए बस थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। सो इट हर रिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।